एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम रीना के जन्मदिन से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। तो रीना दूसरी कक्षा में पढ़ती है। पिछले सप्ताह उसका जन्मदिन था, तो आइए आज हम उसके जन्मदिन से रिलेटेड ये वर्कशीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। रीना के घर मेहमान आए थे, तो उसकी मम्मी ने उसे प्लेट में बिस्कुट रखने को कहा। बिस्कुट के जो पैकेट थे उसमें 35 बिस्किट थे। यदि रीना ने 14 बिस्किट प्लेट में रखे तो कितने बिस्किट बचे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटा करना पड़ेगा। तो 5 में से 4 घटा करेंगे तो 1, और 3 में से 2 करेंगे तो 21। उसके पास कितने बिस्किट बचेंगे बच्चों? उसके पास टोटल बचेंगे 21 बिस्किट। कितने? 21 बिस्किट उसके पास बचेंगे। अब आइए आगे चलते हैं। अगला है, उसके पापा ने घर को फूले गुब्बारों से सजाया। उन्होंने 29 गुब्बारे लगाए, 29 गुब्बारे लगाए पर 12 फूट गए। तो अब कितने गुब्बारे लगे हुए हैं? तो कितने थे? 29 थे। अब 29 में से आप क्या करेंगे? 29 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 17। अब 17 गुब्बारे लगे हुए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीना की मम्मी के पास मोतियों की एक माला थी जिसमें 73 मोती थे। अब उसमें से 25 मोती निकल गए, तो अब कितने मोती बचे? तो 8, और यहाँ कितने? 4, 48, 48 मोती उसके पास बचे। अगला प्रश्न है, तो रीना का जन्मदिन मंगलवार के तुरंत बाद था, तो उस दिन कौन सा दिन पड़ता है? तो मंगलवार के बाद क्या आता है? ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे, बुधवार आता है। अब अगला, उसका जन्मदिन साल के अंतिम महीने में होता है, तो वो कौन सा महीना है? साल का अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। अब रीना की कक्षा की गणित की कार्यपत्रिकाएं सप्ताह के कौन से दिन आती है? तो पहली तो आपकी आती है ट्यूसडे को, और फिर फ्राइडे को, मंगलवार एंड शुक्रवार। अब इनमें से कौन सा महीना 30 दिन का होता है? जनवरी होती है 9, 30, 31 की होती है। फरवरी तो 28 या 29 की होती है। मार्च भी 31 की होती है, पर अप्रैल 30 की होती है। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी